तो गैस अभी यहाँ पर रेड इंडिकेटर जल चुका है गैस। हेलो गाइस, इंडियन एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गैस आज की इस वीडियो में मैं आपको इस तरह का एक 3.7 वोल्ट लिथियम आयन बैटरी चार्जर बनाकर दिखाने वाला हूँ। गैस गाइस यूट्यूब पर बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है गाइस, हर कोई 3.7 वोल्ट लिथियम आयन बैटरी चार्जर बना के दिखा रहा है। तो गाइस मैंने भी सोचा इसको बना ही लेते हैं। तो गाइस इस मॉड्यूल में कितनी सच्चाई है, एक्चुअल में ये काम करता है कि नहीं करता, ये इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गाइस। तो गाइस वीडियो में एंड तक बने रहिए, अगर अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए गाइस फटाफट इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो वैसे इस चार्जिंग मॉडल को बनाने के लिए मैं कुछ इस टाइप के कंपोनेंट का यूज़ करने वाला हूँ। मैं आपको एक एक कंपोनेंट दिखा देता हूँ, कौन कौन से कंपोनेंट इसमें यूज़ करने वाले हैं हम। बस देख सकते हैं ये जो छोटे छोटे डायोड से गए, ये है 4007 N4007 डायोड से गए। इसकी वैल्यू मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, देख सकते हैं इस पर लिखा भी है N4007 गाइस। ये तीन डायोड में इसमें यूज़ करने वाला हो गाइस। और देख सकते हैं कुछ रजिस्टर पे इसमें यूज़ करने वाला हूँ, देख सकते हैं ये 1K के दो रजिस्टर है गाइस जो लाइट के लिए लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट 5 वोल्ट इनपुट आएगा तो लाइट डायरेक्ट खराब हो सकती है गाइस इसमें, क्योंकि ये 3 वोल्ट ऑपरेटेड एलईडी लाइट्स है। इसमें दो कलर के मैं लाइट्स यूज़ करने वाला हूँ गाइस, ग्रीन और रेड। और गाइस इस मॉडल के टाइप का मैंने एक पीवीसी शीट भी कटिंग कर लिया है, देख सकते हैं सेम साइज है, कुछ भी इसमें छोटा बड़ा नहीं है गाइस, हल्का सा ये बड़ा होगा माइनर सा, देख सकते हैं इस साइड से ये थोड़ा सा बड़ा है गाइस, बाकी सेम ही है, इसमें कुछ ज़्यादा ये नहीं है। और गाइस इसमें यूएसबी देख सकते हैं, इसमें एक कनेक्टर लगा है यूएसबी कनेक्टर। इसके लिए गाइस मैं और एक कनेक्टर यूज़ करने वाला हूँ, कुछ इस टाइप का कनेक्टर है ये, देख सकते हैं इसमें माइक्रो यूएसबी केबल का जैक लगा है। इसमें टाइप सी भी आता है गाइस, लेकिन टाइप सी मुझे मिला नहीं है, मार्केट में मुझे यही मिला। और गाइस ये सारे कंपोनेंट्स आपको लोकल इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में आराम से मिल जाएंगे गाइस। तो गाइस हमें पीवीसी शीट में कुछ होल करने होंगे गाइस, इसके लिए देख सकते हैं ये कनेक्टर कुछ इस तरह से यहाँ पर लगेगा गाइस। और गाइस इसमें जो लाइट्स है उसके लिए भी होल करने पड़ेंगे कुछ इस तरह से, दोनों लाइट्स लगेंगे गाइस आर पार यहाँ पर होल करने पड़ेंगे। तो चलिएगा जल्दी से पहले यहाँ पर मैं होल कर देता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं पीवीसी शीट पर मैंने अच्छी तरह से यहाँ पे तीन होल कर दिया गाइस, ये हमारा चार्जिंग पोर्ट के लिए गाइस, ये दो एलईडी इंडिकेटर्स के लिए। तो चलिए गाइस फटाफट इनमें कंपोनेंट असेंबल कर देते हैं। तो सबसे पहले गाइस इसमें हम चार्जिंग पोर्ट लगाएंगे, तो चलिए फटाफट इसमें फिक्स कर देता हूँ मैं कुछ इस तरह से। गाइस देख सकते हैं चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर अच्छे से फिक्स हो गया है गाइस। तो चलिए फटाफट आप यहाँ पर एलईडी फिक्स कर देते हैं गाइस। गाइस आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, देख सकते हैं जो यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट है और पॉजिटिव पॉइंट है गाइस, जो एलईडीज हैं उनका पॉजिटिव पॉइंट एक साइड रखना है गाइस और नेगेटिव पॉइंट एक साइड रखना है गाइस। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं लाइट्स और यूएसबी पोर्ट अच्छी तरह से फिक्स हो गए गाइस। तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट है तीनों एलईडी के और चार्जिंग पोर्ट के एक साइड रखे गए और नेगेटिव पॉइंट एक साइड रखे गए। तो चलिए गाइस फटाफट अभी जो नेगेटिव पॉइंट है उनको आपस में शोल्डिंग कर देते हैं गाइस। गाइस देख सकते हैं दोनों लाइट का जो माइनस पॉइंट है गाइस कनेक्टर के माइनस पॉइंट के साथ यहाँ पर शोल्डिंग कर दिया है। अभी गाइस देख सकते हैं दोनों लाइट के पॉजिटिव पॉइंट बचे गए और जो कनेक्टर है उसका भी पॉजिटिव पॉइंट बचा है। गाइस जो फर्स्ट वाला रेड कलर का लाइट है गाइस और गाइस जो कनेक्टर का पॉजिटिव पॉइंट है, इन दोनों को भी एक रजिस्टर शोल्डिंग कर देना है गाइस। तो चलिए फटाफट पहले एक रजिस्टर यहाँ पर शोल्डिंग कर देते हैं। तो गाइस देख सकते हैं फर्स्ट एलईडी का पॉजिटिव पॉइंट और गाइस जो कनेक्टर है उसका पॉजिटिव पॉइंट, इन दोनों के बीच हमने एक रजिस्टर शोल्डिंग कर दिया गाइस, 1K का रजिस्टर है ये। गाइस हमें इसमें जो डायोड यूज करने वाले हैं एंड चार्जर शायद, इनको हमें सीरीज में कनेक्ट करना होगा गाइस। गाइस इसका कनेक्शन आपको एक बार मैं समझा देता हूं गाइस। गाइस देख सकते हैं इसका जो कैथोड साइड है गाइस इसके एनोड साइड के साथ शोल्डिंग होगा और इसका जो कैथोड साइड है गाइस इसके एनोड साइड के साथ शोल्डिंग होगा गाइस। इस तरह से हमें इसका कनेक्शन करने गए। तो चलिए फटाफट इसका कनेक्शन भी मैं कर देता हूं गाइस। तो गाइस अभी यहाँ पर डायोड के कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं, देख सकते हैं किस तरह से हमने इसका कनेक्शन किया है, तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया गाइस। ये इसका एनोड साइड गाइस और ये इसका कैथोड साइड, देख सकते हैं बहुत इजी कनेक्शन है, कुछ भी मुश्किल नहीं है गाइस। तो चलिए फटाफट अभी इसके कनेक्शन हमारा जो मॉड्यूल है उसके साथ कर देते हैं। देख सकते हैं इसका जो एनोड पॉइंट है नेगेटिव पॉइंट, जो गाइस यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट है उसके पॉजिटिव पॉइंट पर इस तरह से कुछ शोल्डिंग होगा गाइस। और गाइस इसका जो पॉजिटिव पॉइंट है यहाँ पर जो सेकेंडरी एलईडी है गाइस ग्रीन कलर का, उसके पॉजिटिव पॉइंट पर यहाँ पर शोल्डिंग कर देना है गाइस। लेकिन गाइस इन दोनों के बीच हमें एक रजिस्टर लगाना होगा 1K का। तो चलिए फटाफट पहले इनके कनेक्शन का यहाँ पर कर देते हैं।
तो गाइस देख सकते हैं हमारा लिथियम आयन बैटरी चार्जिंग मॉड्यूल बनकर रेडी हो चुका है। देख सकते हैं गाइस किस तरह से हमने इसके कनेक्शन किए हैं, बहुत इजी कनेक्शन है गाइस, कुछ भी मुश्किल नहीं है। इजीली आप इस वीडियो को देख के इसे घर पर बना सकते हो। गाइस देख सकते हैं हमारा जो चार्जिंग पोर्ट है उसका पॉजिटिव पॉइंट और जो हमारा फर्स्ट लाइट है उसका पॉजिटिव पॉइंट, इन दोनों के बीच में हमने एक 1K का रेजिस्टर और शोल्डिंग कर दिया गाइस। और गाइस यहाँ पे देख सकते हैं जो पोर्ट है चार्जिंग पोर्ट का नेगेटिव पॉइंट और दोनों LEDs का नेगेटिव पॉइंट को हमने आपस में शोल्डिंग कर दिया गाइस, देख सकते हैं। और गाइस जो लास्ट वाला LED है देख सकते हैं उसका पॉजिटिव पॉइंट। और गाइस यहाँ पे जो हमने डायोड लगाया है तीनों डायोड को हमने यहाँ पर सीरीज में कनेक्ट कर दिया गाइस, इसका एनोड साइड गाइस और कैथोड साइड, इस तरह से हमने इसका कनेक्शन किया गाइस। जो लास्ट वाला LED का पॉजिटिव पॉइंट है गाइस और डायोड का कैथोड पॉइंट है गाइस, इन दोनों के बीच में हमने एक 1K का रजिस्टर शोल्डिंग कर दिया गाइस। और ये दोनों वायर गाइस आउटपुट के लिए है, यहाँ से हमें DC आउटपुट मिलेगा। तो चलिए गाइस फटाफट अभी यहाँ पर कितना वोल्टेज आउटपुट आ रहा है उसको चेक कर लेते हैं गाइस, हमारा सर्किट काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है गाइस। तो चलिए गाइस जल्दी से अभी यहाँ पर USB केबल कनेक्ट करते हैं गाइस। तो गाइस देख सकते हैं सर्किट अभी काम कर रहा है गाइस, जो फर्स्ट LED लाइट है गाइस रेड कलर का वो यहाँ पर ऑन हो चुका है। तो चलिए यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज चेक कर लेते हैं, आउटपुट में कितना वोल्टेज आ रहा है गाइस, वो वोल्टेज सफिशियंट है या नहीं है बैटरी चार्जिंग करने के लिए उसको चेक कर लेते गाइस। गाइस यहाँ पर जो ब्लैक कलर का वायर है गाइस वो है नेगेटिव आउटपुट और जो रेड कलर का वायर है गाइस वो है पॉजिटिव आउटपुट। तो गाइस देख सकते हैं 3.38 वोल्टेज आउटपुट आ रहा है गाइस। एक्चुअली गाइस अभी ये वोल्टेज सफिशियंट नहीं है गाइस 3.7 लिथियम आयन बैटरी को चार्ज करने के लिए, तो क्योंकि गाइस 3.7 लिथियम आयन बैटरी का फुल चार्जिंग वोल्टेज होता है 4.2 वोल्ट, इससे गाइस तो हमारी बैटरी बिल्कुल भी चार्ज नहीं होने वाली है गाइस। देख सकते हैं यहाँ पर वोल्टेज कितना कम आ रहा है गाइस। तो अभी गाइस यहाँ पर देख सकते हैं तीन डायोड लगे हैं कुल मिलाकर देख सकते हैं। तो गाइस अभी यहाँ पर सेकंड वाले डायोड पर यहाँ पर वोल्टेज चेक कर लेते हैं, यहाँ पर कितना वोल्टेज आ रहा है आउटपुट में। तो गाइस देख सकते हैं सेकंड वाले डायोड पर 3.97 वोल्टेज आ रहा है गाइस, ऑलमोस्ट 4 वोल्ट आ रहा है गाइस। इस ये वाले वोल्टेज से गाइस आपकी बैटरी चार्ज हो पाएगी गाइस, ऑलमोस्ट 90% इस वोल्टेज से चार्ज हो जाएगी बैटरी, तो यहाँ से आप आउटपुट ले सकते हो गाइस। अभी गाइस जो ये लास्ट वाला डायोड है इसको निकाल लेते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज बहुत कम आ रहा है गाइस, सफिशियंट नहीं है बैटरी चार्जिंग के लिए, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। गाइस देख सकते हैं लास्ट वाला डायोड यहाँ पर मैंने हटा दिया गाइस, यहाँ पर मैं दो डायोड ही यूज़ करने वाला हूँ। गाइस देख सकते हैं जो रजिस्टर का एक पॉइंट बचाया गाइस, जो सेकंड डायोड है उसके कैथोड पॉइंट पर यहाँ पर शोल्डिंग कर देना है गाइस। तो गाइस यहाँ पर मैं एक डायोड निकाल दिया है, तो चलिए अभी इसको चेक कर लेते इसका आउटपुट वोल्टेज कितना आ रहा है गाइस। यहाँ पर देख सकते हैं लाइट ऑन हो चुका है गाइस, तो चलिए अभी यहाँ पर देखते हैं कितना आउटपुट वोल्टेज आ रहा है। देख सकते हैं गाइस 3.94 यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है, ऑलमोस्ट सफिशियंट है गाइस अभी ये वोल्टेज बैटरी चार्ज करने के लिए। गाइस इस वोल्टेज से बैटरी फुल चार्ज तो नहीं होगी लेकिन गाइस 80% चार्ज हो जाएगी गाइस। तो चलिए गाइस जल्दी से यहाँ पर बैटरी शोल्डिंग कर देते हैं और देखते हैं चार्ज हो पाती है कि नहीं हो पाती बैटरी। तो गाइस इस सर्किट पर हम ये वाली बैटरी टेस्ट करने वाले हैं गाइस, ये 3.7 वोल्ट लिथियम आयन बैटरी है गाइस। तो चलिए गाइस जल्दी से इस बैटरी की चार्जिंग चेक कर लेते हैं कि इसमें कितना वोल्टेज है गाइस। तो गाइस देख सकते हैं 2.59 वोल्टेज यहाँ पर दिखा रहा है गाइस, गाइस बैटरी टोटली डिस्चार्ज है गई। तो चलिए गाइस जल्दी से इस सर्किट में चेक कर लेते हैं हमारी बैटरी ये सर्किट चार्ज कर पाता है कि नहीं कर पाता है। तो गाइस देख सकते हैं चार्जिंग मॉड्यूल के साथ बैटरी के कनेक्शन कर दिए। चलिए गाइस जल्दी से अभी यहाँ पर केबल कनेक्ट करते हैं। तो गाइस अभी यहाँ पर रेड इंडिकेटर जल चुका है, तो गाइस थोड़ी देर बैटरी को ऐसे ही छोड़ देते चार्जिंग होने के लिए। तो यार गाइस अभी आधा घंटा बीत चुका है, तो गाइस देखते हैं हमारे सर्किट ने बैटरी को चार्ज किया है या नहीं किया है गाइस। तो सबसे पहले गाइस यहाँ से चार्जिंग निकाल लेते हैं, डिस्कनेक्ट कर देते गाइस केबल को। अभी देखते गाइस इसका वोल्टेज, तो गाइस देख सकते हैं 3.13 यहाँ पर वोल्ट दिखा रहा है गाइस, यानी हमारी बैटरी अभी यहाँ पर चार्ज हो रही है गाइस।
तो यार गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो गाइस आपको ये मॉड्यूल यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि गाइस इससे आपकी बैटरी खराब हो सकती है गाइस, क्योंकि गाइस जो लिथियम आयन बैटरी रहती है गाइस उसको करंट और वोल्टेज कांस्टेंट चाहिए गाइस, उसमें हल्का सा भी फ्लक्चुएशन हुआ तो बैटरी खराब हो सकती है गाइस। और गाइस मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप इसका यूज ना करें, इसको आप इमरजेंसी में यूज करें। 10-15 मिनट आपको अगर गाइस चार्ज करना हो तो आराम से आप कर सकते हो, लेकिन गाइस लॉन्ग टाइम तक आप इसे यूज ना करें, इससे आपकी बैटरी खराब हो सकती है गाइस। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे टेक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।